वास्तु और शिल्प के देवता भगवान विश्वकर्मा की जयंती के मौके पर शनिवार को विशेष पूजा पाठ हुआ। घरों के साथ गैराजों और फैक्ट्रियों में भगवान की आराधना की गई। मान्यता है कि भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने से नई ऊर्जा मिलने के साथ ही कामकाज में आने वाली अड़चनें दूर हो जाती हैं। माना जाता है कि इस दिन विधि विधान से भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने से रोजगार और बिजनेस में तरक्की मिलती है। वहीं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विश्वकर्मा को देवताओं का शिल्पी कहा जाता है। वे निर्माण और सृजन के देवता हैं। इनको संसार के पहले इंजीनियर और वास्तुकार भी कहा जाता है। जयंती के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना के साथ शहर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। ऐसी मान्यता है कि भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने से रोजी रोजगार, कारोबार, नौकरी पेशा में उन्नति होती है। साथ ही इस दिन भगवान शिव की आराधना से उनकी विशेष अनुकंपा की प्राप्ति होती है। इस मौके पर नगर पालिका ने जल कल कार्यालय पर नगर पालिका अध्यक्ष सुख सागर मिश्र, मधुर आदिशासी अधिकारी रवि शंकर शुक्ला के अलावा बालेश्वर मिश्र, सभासद विपिन सिंह, ललित कश्यप, वहाँ बादशाह सिंह आदि सभी सभासदों व कर्मचारियों ने हवन पूजा किया। उसके बाद नगर पालिका के सभी वाहनों का भी पूजन किया। के अलावा सीतापुर रोड स्थित विश्वकर्मा मंदिर पर पूजन अर्चन कर वंदना की गई। क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? गत वर्षों के बाद इस वर्ष भी विश्वकर्मा भगवान की पूजा अर्चना का कार्यक्रम आचार्य के द्वारा यहाँ पर नगर पालिका जलकल कार्य प्रांगण में कराया गया है, जिसमें हमारे शासकीय अधिकारी रविशंकर शुक्ला, अकाउंटेंट बालेश्वर मिश्रा, हमारे जलकल अभियंता मौर्या जी सहित हमारे नगर पालिका के सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। साथ ही हमारे नगर पालिका के जितने भी सभासद हैं उन सब लोगों ने यहाँ पर आकर के जो हवन यज्ञ किया गया है उसमें आहुति दे करके इस कार्यक्रम को सम्पन्न कराया गया है। और इसके बाद यहाँ पर जलपान और भोजन की व्यवस्था की गई है। सभी लोग जलपान और भोजन करने के बाद अपने अपने घरों को जाएंगे। ये कार्यक्रम यहाँ प्रतिवर्ष की बात इस वर्ष भी ये विश्वकर्मा भगवान की पूजा अर्चन के साथ सम्पन्न हुआ। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट।